तो आज चौका वेलन में कुछ स्पेशल सा बनने वाला है। मम्मी क्या बनने वाला है? बनाते हैं तो देखो फिर क्या बनता है। इसके लिए हमें चाहिए प्याज फ्राई करने के लिए। आलू लिया मैंने 250 ग्राम तक, और मिर्चे हैं, लहसुन की कलियां हैं, और धनिया, अदरक, मैदा है, सूजी है, मैदा 1 कटोरी है, 4-5 चम्मच सूजी है जिसे मुझे तैयार करना है। तो चलिए पहले तो आलू फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद ये मैंने 4-5 चम्मच तेल डाला है, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे फ्राई करने के लिए, राई डाल देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, और ये सभी धनिया लहसुन मिर्च जितने भी हैं और अदरक, इन सभी को मिलाकर मैंने पीस लेना है इसे। ये मैंने सभी ले लिया है, अदरक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, काली मिर्च और जीरा डाला है 1/2 चम्मच तक, इन सभी को मुझे पीस लेना है। ध्यान रहे बनाते समय आपको ये जो फ्लेम है इसको ऑन कर लेना है, और जो तेल डालेंगे वो पीले रंग का ही होना चाहिए। ये प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, ध्यान रहे नमक चम्मच से ही डालें। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है इसका। थोड़ा सा भून जाने फिर आलू डाल देंगे। ये जो मैंने आलू लिया था उसे मैश कर लिया है, ऐसे ब्राउन होने तक इसे भी मिक्स कर लेना है। और जो मैंने हरा धनिया और लहसुन पीस के रखा था उसे भी डाल देंगे इसी के साथ। ये पेस्ट जो है जो तैयार किया था वो डाल दिया है मैंने, देखिए ये तैयार हो रहा है, ब्राउन हो गया है। काफ़ी अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है चलाते हुए। तो ये मसाले जो पीस के मैंने डाले थे तो पूरे मिक्सअप हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, बिल्कुल मसाले जो है भून चुके हैं मेरे। ये आलू जो है तैयार हो चुका है। ये इस तरह का जो है मसाला हमेशा समोसे वगैरह भी बनाए तो उस तरह फ्राई कर लें तो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है इसमें। तो फ्राई करने का तो तरीका एक ही तरह से होता है, सब में धनिया मिर्च पड़ते ही हैं सेम, वैसे ही बस बनाने का तरीका ही अलग होता है कि कुछ अलग अलग नाश्ते अलग अलग शेप में बन जाते हैं। काफ़ी अच्छे तरह से भून गया है, तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे निकाल लेते हैं और फिर तैयार करते हैं मैदे को। ये मैदा लिया मैंने, सूजी ली है थोड़ी सी, जैसे इसे काफ़ी क्रिस्पी होता है इसलिए, ये अजवाइन थोड़ा सा ये क्रश करके और डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देते हैं। याद रहे कि आलू में भी नमक पड़ा है तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है, हल्का सा बस टेस्ट के लिए डालना है, और थोड़ा सा ऑयल भी लेना है हल्का सा, इससे खस्तेदार होगा। ऐसे देखिए ऐसे मिला लेंगे काफ़ी अच्छी तरह से। देखिए ऐसे बदलने लगा, ये डो तैयार हो गया है, बिल्कुल टाइट ही, बहुत ज़्यादा टाइट बहुत ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, मीडियम रहेगा। और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके मैं लगा लेती हूँ इस पर, ऐसे ऐसे रख दिया है मैंने, अब इसे ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे ये रोटी के जैसे लोई बना लेने हैं बड़े बड़े, और बेल करके ऐसे बेलने हैं, थोड़े मोटे में ही बेलेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे, जैसे काफ़ी कुरकुरा बनेगा
इसमें सूजी मैंने डाला है इसीलिए कि क्रिस्पी रहे काफी, ऐसे बेल लेना है, हो गया। और इसके अंदर मैं फिलिंग के लिए जो आटा मैंने वो आलू तैयार किया था उसे एक चम्मच भर के लिया है और उसे फैला लेना है पूरा, ऐसे फिल हो जाएगा आलू। फिर उसके बाद इसे रोल करना है ऐसे दोनों तरफ करके, और फिर ऐसे से रोल करते जाना है, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे करके दोनों तरफ से, और फिर इसे कट कर देते हैं किनारे किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्पेस लेकर के ऐसे, और इसे फिर ऐसे देखिए ऐसे तैयार हो जाएगा। थोड़ा इसका शेप दे देना है हल्का सा ऐसे करके ऐसे, बहुत अच्छी डिजाइन बन जाती है ऐसे। अभी नहीं, अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। नहीं नहीं अभी तलना है बेटा, इसे तल लेंगे फिर उसके बाद खाना। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है, गरम हो चुका है हमारा तेल, ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे। गरम हो चुका है ये डालती हूँ मैं एक एक करके, ब्राउन होने तक, बिल्कुल ब्राउन हो जाता है तभी निकालना है इसे, पहले हल्के आंच पे ही फिर उसके बाद में तेज कर देना है, हल्के आंच पे ही इसे तलते हैं। जब नीचे का टाइट हो जाएगा तब ऊपर पलट देंगे उसे, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे आंच पे ही इसको बनाते जाना है, तलते जाना है। हमारा फ्लेम मीडियम है, और हमारा फ्लेम नहीं, हाँ ये मैंने पलट दिया है, देखिए कलर इसका ऐसा आया है, कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ब्राउन होने लगेगा फिर पलट देने से नीचे का भी ब्राउन हो जाएगा, तब इसे निकालते हैं। ये बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है, अब मैं इसे निकालूंगी थोड़ी देर में, ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, देखिए तैयार हो गया, अब इसे मैं निकाल देती हूँ, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है, क्रिस्पी भी हो गया है। अब हमारे बढ़िया से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन के रेडी हो गए हैं, और ये चाय के साथ बहुत अच्छे नाश्ते होने वाले हैं। फिर ट्राई करिए देखिए कैसा लगता है खाने में, एंड थैंक यू एवरीवन, बाय।